हेलो गाइस, अभी मैं मस्त नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। अभी 3 बज रहे होंगे। अभी माँ अभी घर पे है नहीं, तो माँ पूजा देने गई है, तभी तक आई नहीं है। माँ का इंतजार करते हैं, उसके बाद माँ मुझे खाना देगी, उसके बाद धागा वागा जो होता है वो बांधेगी। तो एक अच्छा जेस्चर है, अभी माँ का वेट करते हैं। आज रथ यात्रा है, तो सभी माँ बहनों को मेरी तरफ से रथ यात्रा का हार्दिक शुभकामनाएं। मम्मी आई नहीं, चलिए मम्मी के पास अभी जाते हैं। तो गाइस, मेरी माँ आ चुकी है और मेरी माँ के साथ मेरी बड़ी माँ भी है, तो अब मिलेगा भाई खाना। तो अभी मेरी मम्मी जो मुझे अभी धागा बांधेगी, ये अभी अभी लाइन देना पड़ेगा। और एक मेरी मतलब काकी माँ आंटी है, वो बाद में आएगी। और ये प्रोसेस पूरा चल रहा है, तो पूरा शरीर से मुझे धागा से बांध दिया जाएगा। तो अभी इन लोगों के लिए कुछ खाने का इंतजाम मतलब करना पड़ेगा, तो जो कि बैन कर रही है। और मैं हीरो की तरह ब्लॉग बना रहा हूँ, जैसे हर घर में होता है, भाई हीरो गिरी मारता है और कष्ट बहन को करना पड़ता है। तो गाइस, ये मेरे बाबा है जो कि सो रहे हैं, तो माँ ने बाबा को सोते सोते धागा बांध दिया। गाइस, अभी मेरा हो चुका है, अभी मेरा बहन का धागा बांधना का स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पीछे क्या काम चल रहा है। अभी मम्मी हंस रही है, इसका मुंह देखिए। रथ यात्रा में हम लोगों का ये धागा बांधने का सिस्टम होता है। जो रथ यात्रा होता है, हम लोग उसमें धागा बांधते हैं। तो ये धागा एक मतलब प्रोटेक्शन का साइन है, जिससे मतलब मम्मी लोग बांधती है, ताकि हम लोग किसी भी प्रॉब्लम या मतलब क्या बोलते हैं, दुविधा से दूर रहे। A few moments later. तो दोस्तों, अभी माँ के लिए नींबू का जूस बन रहा है, जो कि मेरी बहन बना रही है, वो काम करने में एक्सपर्ट है। चूरी करके खा रहा है लड़की। दोस्तों, आप देख सकते हैं, हमारी घर की चोरनी है, ये सब कुछ चोरी करके खा जाती है। मम्मी का मिष्टी दो ही खा चुकी है, ये चोरनी अभी इस चम्मच को धो के फिर से खाएगी। दोस्तों, अभी पानी लेने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के नल में पानी आया है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग कहाँ से पानी भरते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग कितने तकलीफ में पानी भरते हैं, खाने पीने का पानी। और ये सामने ही जो तालाब है, दोस्तों हम लोग घर प्रसाद देने आया है। प्रसाद ते मेरे घर आया है अभी प्रसाद देने, इसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। प्लीज हाई कर दो दोस्तों। हेलो फ्रेंड, हाई कर दो। हाय हाय हाय, शायद मुझसे गुस्सा हो चुका अभी, गुस्सा है। हाय कर दो।
गाइस अभी देखिए अभी कितने मतलब पानी लेते लेते कितने बादल आ चुके आप देख सकते हैं। देखिए कुछ ना कुछ गिर रहा है। अभी 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 बारिश आ चुका है, पता नहीं अब क्या होगा। तो गाइस पानी लेते लेते अभी बारिश आ चुका है, घर जाता है, पानी आ चुका है। तो गाइस देखो मतलब क्या सुंदर नजारा है यार, मतलब मस्त लगता है। तो दोस्तों आप लोग अभी देख सकते हैं यहाँ पर दो हंसों की जोड़ा चुपचाप बैठे हुए हैं। शायद बारिश के कारण ये दोनों प्यार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए शायद ये लोग अभी चुप करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। 3 hours later So guys, अभी जो मौसम है वो बहुत ठंडा, थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका है, तो अभी मैं थोड़ा बहुत सो लेता हूँ। मस्त नींद आने के बाद ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, तब तक मैं थोड़ा सो लेता हूँ। 3 hours later तो गाइस अभी मस्त नींद हुआ, हर स्काई क्लियर हो चुका है, भाई बारिश ज़्यादा हो नहीं रहा, तो बाहर जाएंगे उसके बाद आप लोगों का नज़ारा दिखाते हैं। पर मैं पानी से मुंह धो लेता हूँ, उसके बाद कुछ मिलेगा स्नैक्स वगैरह खा लेंगे। बाहर बहुत सुंदर नज़ारा है, तो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊँगा। तो गाइस हम लोगों का जो घर का टीवी है वो ख़राब हो चुका है, वो एक हफ्ते से चल नहीं रहा था। तो बाबा ने जो सामने एक भैया रहते उनको बुलाए, तो उनको चेक कराया कि प्रॉब्लम क्या है। तो भैया ने बोला कि कनेक्शन में प्रॉब्लम है, तो वो कल जो टीवी है उसका पार्ट्स ले चले गए और बोले कि कल ठीक करके ला देंगे। A few moments later. तो गाइस ठंडे पानी से मुँह धोने के बाद मूड पूरा फ्रेश हो जाता है, तो पूरा मेरा नींद उड़ चुका है। तो और पीछे का नज़ारा देखिए यार, मतलब काफ़ी सही है यार। रुको मैं ज़रा दो तीन तो क्लिक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस आप सीन देखो यार, मतलब कितना सही नज़ारा है, वाह। बारिश के बाद ये वाला मतलब ये भी नज़ारा है सर, तो आप लोग देखिए। तो गाइस आज का वीडियो यही तक था, तो कैसा लगा आपका आज का वीडियो आप लोग कमेंट कीजिए। और अगर आप में से कोई अगर नया है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आने वाले हैं। तो सब कोई ठीक से रहिएगा, सेफ रहिएगा, और मिलते हैं एक नया ब्लॉग में एक नया कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खड़ा।